तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और अगर कोई चीज़ बाकी रहेगी तो यार कमेंट बॉक्स में बता देना, नेक्स्ट टाइम बोल दूंगा। तो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल्स के अंदर तो देख ही लिया होगा कि आज हम आपको बताएंगे कि हम मोटो ब्लॉगिंग करते समय हम किन किन बातों को बोल सकते हैं, हम किन किन टॉपिक्स के ऊपर मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं, और उसके ऊपर आज का हमारा वीडियो है। तो गाइस, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि साला इसको जुम्मे जुम्मे चार दिन तो वही भी ब्लॉगिंग करता हुआ और हमें ज्ञान देने चला है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने नई मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट की है तो मुझे इन टॉपिक्स के बारे में पता नहीं है। बस वो डिपेंड करता है कि आप किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हो। तो ये कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसके ऊपर ऑलरेडी ब्लॉग्स बनते आए हैं और वो अच्छे सक्सेस भी है, उनके काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर हैं, सब कुछ है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको आज के वीडियो के अंदर बताऊँगा कि आप किस किस तरीके से जो है मोटो ब्लॉग के अंदर क्या क्या बोल सकते हैं, किन किन टॉपिक्स के ऊपर ब्लॉग्स बना सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा यार गाइस। आप लोग वीडियो को जो है पूरा नहीं देखते हो तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप तो करना। तो गाइस, बात करते हैं अब हम हमारे जो है पहले टॉपिक के बारे में। तो पहला जो तरीका होता है वो होता है इन्फॉर्मेटिव। आप मोटो ब्लॉगिंग करते समय इंफॉर्मेटिव वीडियो भी बना सकते हो, जैसे कि आप किसी को किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना, जैसे कि हमारा ये आज का वीडियो, ये भी एक तरीके से इसकी कैटेगरी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की है। इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर आप जैसे कोई नया हेलमेट लेके आए तो उसके लिए इंफॉर्मेशन दे दी, उसके ऊपर वीडियो बना दी। आप कोई भी नया गैजेट लेके आए उसके ऊपर नई वीडियो बना दी। आप किस तरीके से मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करें, मोटो ब्लॉगिंग के अंदर हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये जो भी इंफॉर्मेटिव तरीके की जो वीडियोज़ है आप उस तरीके की वीडियोज़ जैसे बना सकते हो। आपने गाड़ी के अंदर कौन सा काम करवाया, को क्या करने से हमारी गाड़ी अच्छा एवरेज देगी, हमें गाड़ी को मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सभी चीज़ें इस तरीके की जो भी कुछ टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी आप जो है अपना वीडियोज़ बना सकते हो। तो गाइस, हमारा रिव्यूड जो है वो पूरा हो चुका है, अब हम जाएंगे जयपुर सिटी की तरफ। हम आगरा रोड के ऊपर पहुंचने वाले हैं इस वक्त। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो है हमारा दूसरा तरीका। तो दूसरा तरीका होता है आपका स्टोरी टेलिंग। आप जो है वो कुछ कहानी बताते हुए, कोई टॉपिक्स के ऊपर कोई कहानी वगैरह बताते हुए भी आप अपनी मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हो, ठीक है। तो बस सामने लगता है मामू खड़े हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है नहीं खड़े, क्योंकि लास्ट टाइम में जब यहाँ पे आया था ना तो मामू जो है वो खड़े हुए थे इधर की तरफ, हाँ अभी भी खड़े हुए हैं। तो देखो अब वो हमको पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते, वैसे इंशाल्लाह हम आपको नहीं पकड़ेंगे क्योंकि ऐसा कोई वो है नहीं। देखो अंकल इनसे बात करते हुए। तो गाइस, स्टोरी टेलिंग के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि कोई आपने कोई इंसिडेंट देखा हो, वहाँ पर कुछ हुआ हो जिससे लोगों को सुनने में मज़ा आए, या कोई ऐसी मोटिवेशनल कोई कहानी किसी बिजनेसमैन के बारे में या किसी के भी बारे में, अपने बिजनेस के बारे में कि मैंने ऐसा किया था वैसा किया था, या मैंने किसी चीज़ को कैसे खो दिया। मान लीजिए आपको कोई नुकसान हो गया, ठीक है, तो आपको वो नुकसान क्यों हुआ, उसको नुकसान से बचने के लिए क्या करना चाहिए था, तो उसके अकॉर्डिंग एक आप अच्छी सी एक स्टोरी बनाकर आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो मोटो ब्लॉगिंग के अंदर। वो भी लोगों को जो है वो काफ़ी पसंद आती है। तो स्टोरी टेलिंग भी एक अच्छा तरीका है मोटो ब्लॉगिंग करते हुए बनाने का। अच्छा, हमको सिखा दिया है। इसके अंदर आपको बोलने के लिए भी काफ़ी चीज़ें मिल जाती है। आप कोई स्टोरी बनाओगे 10 मिनट के अंदर, हमारे को एक बढ़िया से बढ़िया जो भी हमने कोई टॉपिक सोचा है या फिर जो आपने इंसिडेंट देखा है या कुछ भी किसी चीज़ के बारे में जाना है, तो 10 मिनट के एक इतना अच्छी स्टोरी टेलिंग आप उसका बनाइए जिससे क्या है लोगों को सुनने में मज़ा आए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक आपके वीडियो को स्पेंड कर सके, ठीक है। तो ये सामने भी हमारे मामू खड़े हुए हैं, उस साइड खड़े हुए, कोई दिक्कत नहीं, हम निकल गए। क्या बात है यार, आज इतने कैसे खड़े हुए, अब मुझे जाना है उधर की तरफ। अरे भाई अभी तो बैठ जाता। तो मैंने थोड़ा सा आज ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग कट लिया है, जहाँ मेरे को घर से लगभग 24 किलोमीटर पड़ता है जलमहल, लेकिन मैं अभी फिक्स डबल पे जाऊंगा। मुझे लगभग ये 50 किलोमीटर पड़ रहा है आज के दफ्तर में, घर से निकला हूँ वहाँ से लगभग मेरे को 50 किलोमीटर जलमहल पड़ेगा, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो। तो गाइस, थोड़े दिन के अंदर हमारे साथ में हमारा एक साथी और जो है वो ज्वाइन करने वाला है, भाई का चैनल बहुत जल्द ही बन जाएगा और वो भी मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट संडे को मैं उसको जो है सामान दिला दूंगा, हेलमेट्स वगैरह, माउंट्स वगैरह जो भी है। अभी भी वो भी मोबाइल से ही अपनी मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करेगा। उसके पास मेरे अच्छी गाड़ी भी है, रेपसोल, बंदा एक नंबर, मेरा स्टूडेंट भी है, मेरा छोटा भाई, बहुत अच्छा लड़का है,
वो जो है स्टार्ट करने वाला है मोटर व्लॉगिंग, इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे से उसकी जो व्लॉगिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। रास्ता है हम जिस रास्ते से जा रहे हैं इसका बैक साइड के अंदर आगे से थोड़ा जाके कभी कभार वो रास्ता बंद हो जाता है, इधर साइड में से भी एक रास्ता निकलता है अंदर जाके की तरफ, तो वहाँ से जो है आपको जयपुर सिटी का पूरा जो लुक है ना वो दिखता है। सनसेट का भी अगर आप सनसेट के टाइम पे आओगे ना तो सनसेट का एक नंबर बेहतरीन नज़ारा वहाँ से दिखेगा, और वीडियो शूटिंग के लिए वगैरह के लिए बहुत ही शानदार डेस्टिनेशन है वो। तो गाइस बात करते हैं अब हमारे अगले टॉपिक के बारे में। तो अगले टॉपिक के अंदर आप जो है लाइफस्टाइल से रिलेटेड ब्लॉग बना सकते हो। लाइफस्टाइल जैसे आप रोज़ क्या करते हो, आपका डेली का रूटीन, और आप कहाँ जाते हो, कैसे सब कुछ आपका होता है। रोज़ सुबह आपके घर वाले आपके पिछवाड़े पर लात मार के उठाते हैं और फिर आपको जिगली करके घर से भगा देते हैं और आप निकल लेते हैं मोटर ब्लॉगिंग करने के लिए दोस्तों के साथ, छपरियों के साथ में इधर उधर। तो ये सभी चीज़ों के बारे में अभी आप अच्छा सा ब्लॉग बना सकते हो। तो लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है वीडियो बनाने के लिए। लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग के अंदर काफ़ी लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। आप मुझे लगा है कि आगे का रास्ता बंद है और हम फंस चुके हैं यहाँ पर, और हमको लिए यहाँ से अंदर से जाना पड़ेगा हमारे को। तो आज हो सकता है कि भाई हम ना चाहते हुए भी हम उधर से जाना पड़े। तो भारी ट्रकों का प्रवेश वर्जित है, भारी ट्रकों का तो चलो वर्जित है, लेकिन हो सकता है कि छोटी गाड़ियाँ चल जाए, लेकिन हाँ जा रही है गाड़ियाँ। अगर जब हम चढ़ाएंगे इस टीले के ऊपर, थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, हमारी एसपी बड़ी प्यारी गाड़ी है, आराम से जो है वो चढ़ गई। ये जो पूरी है दलदल ही है, लगा आपको ऐसा होगा लेकिन ये पूरी दलदल है। यहाँ पे एक बार फंस गए ना तो भैंस की टांग निकालने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो ये रोड जो है वो बन रहा है, ये कंप्लीट हो जाए एक बार, उसके बाद हो सकता है यहाँ पर दिक्कत ना आए। बरसात के टाइम पर ये पूरा चकाचक भर जाता है। तो गाइस हम बात करें अगर लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग की, तो आपको मैंने बता ही दिया है कि आप किस तरीके से लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग कर सकते हो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे हो। तो वही जो लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग है एक तरीके से आपका वो ब्लॉगिंग का जो तरीका है वो भी एक अच्छा टॉपिक है, जिसके अंदर भी आपको बोलने के लिए काफ़ी चीज़ें मिल जाती है। आप अपने लाइफ के बारे में कुछ कर सकते हो, जो भी आपके साथ में हो रहा है, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, सब कुछ कम्प्लीट चीज़ों के बारे में आप अच्छा बता सकते हो। तो गाइस हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में। तो अगला टॉपिक पे आप बना सकते हो, जिस तरीके से आपने बहुत से मोटर ब्लॉगिंग चैनल देखे होंगे उन जिनके पास में बढ़िया स्पोर्ट्स बाइक्स होती है, सुपर बाइक्स वगैरह होती है। तो अगर आपके पास में बढ़िया स्पोर्ट्स बाइक्स है और सुपर बाइक्स वगैरह है, उसका आपकी शौक है आपका रेसिंग करने का, तेज गाड़ी बनवाने का बढ़िया, तो आप उसके ऊपर भी वीडियो बना सकते हो। जैसा कि बहुत से जो चैनल्स हैं उनके अंदर आपने देखा होगा सब रेस लगाते रहते हैं, सब दोस्त आपस में मिलते हैं, बताते हैं भाई आज हम निकल रहे हैं, आज हमारी वहाँ की प्लानिंग है, इधर उधर जाना है हमें, ये वो भाई मेरा वहाँ से मिल जाएगा मुझे लोड़ा लस्टर, यानी इस तरीके की बातें बोलते हुए आप बढ़िया तरीके से एक ब्लॉग बनाते हो। उसके बाद में एकदम से आप हाईवे के अंदर सारे दोस्त आ गए और ना वहाँ से रेसिंग स्टार्ट रहती है और 70 की स्पीड के अंदर गाड़ी चल रही है, ओ भाई ओ भाई निकल गया, वो अभी मेरे को पीछे करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। तो इस तरीके से भी आप बोल के भी जो है वीडियो बना सकते हो, मेरे को बड़ा मजा आता है, कॉमेडी आती है उसके अंदर। सारा जब भी वीडियो देखता हूँ उनकी वीडियो के अंदर देखो आप 70 की 80 की स्पीड के अंदर गाड़ी चल रही है और भाई ओ भाई वो भाई निकल गया, ओ क्या ड्राइविंग कर रहा है यार ये वो। तो इस तरीके के यानी पब्लिक को चूतिया बनाते हैं हले, तो इस तरीके से आप भी बना सकते हो। तो उसके अंदर तो कोई मना ही है नहीं, आप आराम से बढ़िया 70 की स्पीड के अंदर भी रेस लगा के, 70-80 की स्पीड के अंदर भी रेस लगा के जो है रेसिंग की वीडियोस वगैरह बना सकते हो। क्योंकि कैमरे के अंदर क्या बात चल रहा है, कैमरे में वैसे भी हमें कुछ चीज़ें जो है फास्ट दिखाई देती है थोड़ी सी, हम नॉर्मली जो हम जिस चीज़ को फील करते हैं ना कि यार हम इस स्पीड में चल रहे वगैरह, तो उससे थोड़ी सी फास्ट हमारे को कैमरे के अंदर दिखाई देती है। तो आप इस तरीके के टॉपिक्स के ऊपर भी जो है वो वीडियोज़ बना सकते हो। तो गाइस हम आते हैं अगले टॉपिक के बारे में। तो अगला जो टॉपिक है वो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि वो होता है जो स्क्रिप्टेड, आप स्क्रिप्टेड मोटो ब्लॉग भी कर सकते हैं। और स्क्रिप्टेड आप सोचोगे यार मोटो ब्लॉगिंग के अंदर तो स्क्रिप्टेड वगैरह से कुछ होता ही नहीं है, तो स्क्रिप्टेड मोटो ब्लॉगिंग कैसे बन सकती है? तो भाई बनती है यार, कैसे नहीं बनती है स्क्रिप्टेड मोटो ब्लॉगिंग। अब स्क्रिप्टेड मोटो ब्लॉगिंग कैसे बनती है, आप निकल लिए गाड़ी लेके अपने किसी फ्रेंड को, या फिर अपने किसी फ्रेंड को बोल दिया रास्ते के अंदर मिल जाना ये वो, फिर वहाँ से आप लड़की को बिठा लेते हो, उनके पास बताते हो रास्ते में मिली मुझे अनजान लड़की, उसने मुझे नंबर दिए ये वो,
अनजान लड़की का मोबाइल मिल गया, तो इस तरीके की स्क्रिप्ट तैयार की जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना वो स्क्रिप्टेड होती है। कोई लड़की, आप जा रहे हो बीच में, कोई लड़की आ गई रेस करने के लिए, या फिर किसी लड़की ने आपको ठोक दिया वगैरह, वो सारी जो चीज़ें होती है ना वो सब स्क्रिप्टेड होती है। उनके वीडियो देखने के तरीके से लग जाता है यार कि सारे स्क्रिप्टेड है। तो इस टाइप की वीडियो भी आप बना सकते हो। मोटो ब्लॉगिंग के अंदर ज़्यादातर देखा हमने, जो बड़े मोटो ब्लॉगर है वो ज़्यादातर सारी स्क्रिप्टेड वीडियो ही उनकी रहती है, क्योंकि यार उनके पास में क्या है, टोटली फोकस उनका मोटो ब्लॉगिंग के ऊपर ही है। उनका काम ही यही है, उनको मोटो ब्लॉगिंग ही करना है एनी टाइम। अब हम जैसे लोग तो क्या यार धीरे धीरे स्टार्टिंग कर रहे हैं, नए हैं, और ऑफिस में काम भी करना होता है, फिर उसके बाद में संडे संडे का भी टाइम मिलता है, या फिर जाते वक्त आते वक्त बीच में हमारे को जो एक दो घंटे मिलते हैं उसके अंदर हम अपनी जो ब्लॉगिंग है वो कर लेते हैं। तो इतना हम क्या ज़्यादा टाइम दे नहीं सकते, तो क्योंकि स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग के अंदर हमें अपने पर्सनल काम से वो भी निपटाने हैं, तो उस हिसाब से नहीं करते। बाकी अगर आप फुल टाइम के लिए मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हो तो उसके अंदर क्या स्क्रिप्टेड ब्लॉगिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है। आप अपने कोई भी दोस्त यार हो, उनको बोल दिया कि यार रास्ते में मुझे पकड़ लेना, और रास्ते में कोई गाड़ी लगा दिया एकदम से ज़बरदस्ती, बहुत से वो देखा होगा आपने, सारे स्क्रिप्टेड रहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। और उनके थंबनेल देख के, अरे यार आदमी सोचा अरे यार ये लड़ाई हो गई, देखो कैसे लड़ाई हो गई इनकी, अरे ये कैसा क्रैश हो गया, अरे भाई हल्का सा कोई होता जरा सा गिर जाता, गाड़ी स्लिप हो जाती है, जरा सी गाड़ी स्लिप होगी और वो डाल देंगे, अरे भाई मेरी गाड़ी फुल क्रैश, टोटल लॉस ये वो, अरे भाई फुल चूतिया बनाने का काम। वीडियो अंदर आके देखी तो भाई जरा सा इंडिकेटर टूट गया किसी का, किसी में जरा सा स्क्रैच आ गया, हल्की सी स्लिप हो गई। कितने लोग से जानबूझ के ऐसे स्लिप करवा देते हैं, तो कितने लोग जानबूझ के पीछे से ठुकवा देते हैं। तो ऐसे ऐसे सेफ तरीके से वो करवाते हैं कि जिसमें ज़्यादा नुकसान भी ना हो, और ज़्यादा हमारे को भी नुकसान ना हो, ना ही हमारी गाड़ी वगैरह का नुकसान हो। तो इस तरीके से स्क्रिप्टेड लड़की का दोस्त ने पकड़ लिया वगैरह, इस तरीके से भी आप स्क्रिप्टेड वीडियो जो है वो बना सकते हो। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे व्यू आते हैं ज़्यादातर, तो आपको जो मोटो ब्लॉगिंग करना है ना वही वाली वीडियो देखने को मिलेंगे। ये जाम है इधर, थोड़ा सा निकल गया हमारा। तो गाइस हम बात करते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल टॉपिक के बारे में। तो ये जो लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है ना वो बहुत ही बढ़िया, सबसे बेहतरीन है, वो है बकचोदी। ठीक है, फालतू की बकचोदी, कुछ भी हो बकचोदी करो, ये वो ऐसे जा रहा हूँ वैसे जा रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ कुछ भी, यानी उसके अंदर क्या है वो हर चोल हर आदमी है जो वो नहीं कर पाता है। तो बकचोदी भी बहुत अच्छा हुआ है, इसके अंदर आप फालतू की बकचोदी कर सकते हो। तो भाई लास्ट में मैं आपको बताऊँगा हमारी जो है बोनस वाली जो ट्रिक है वो है ये वाली, वह हम बहुत गरीब है। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है, अगर आप इस तरीके की वीडियो बनाना चाहो तो इस तरीके की वीडियो भी बना सकते हो। तो गाइस ये तो थोड़े से कुछ टॉपिक्स जिनके ऊपर आप अपनी वीडियो मोटो ब्लॉगिंग की वीडियो बना सकते हो, उनसे रिलेटेड बातें बोल सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम पहुँच चुके हैं जलमहल पहुँचने वाले हैं, तो जलमहल पहुँचने के बाद ही हम जो है अपने भाई लोगों से मिलेंगे और वहाँ से वहाँ अपना नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ओके गाइस, मिलते हैं आपको अपने वीडियोज़ के अंदर।